ये एक धूल भरी सुबह है और युवा कृष्ण मृग कुश्ती खेल रहे हैं। वे जिस इलाके के लिए लड़ रहे हैं वो इस प्रजनन काल तक इस लड़ाई के विजेता का होगा। वो इस क्षेत्र की रक्षा करेगा और इस अवधि के दौरान केवल मादाओं को ही इसमें प्रवेश करने देगा। शानदार और घुमावदार सींगों से सजे ये नर यहाँ के छोटे से प्रोसोपिस के जंगलों में एकदम घुल मिल जाते हैं। मादाएं जहाँ जीवन भर हल्के भूरे रंग की खाल ओढ़े रहती हैं, वहीं नर की चमड़ी उम्र के साथ चमकदार और काली हो जाती है। कृष्ण मृग भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी हैं। वे पाकिस्तान, नेपाल और भारत के 13 राज्यों में पाए जाते हैं। वे सूखी घास के मैदानों, रेगिस्तान के किनारों और यहाँ तक कि खुले हरे भरे वनों में भी मिलते हैं। कई खेतों के किनारे चरते भी दिख जाते हैं। लेकिन कृष्ण मृग का सबसे पसंदीदा निवास स्थान है घास के मैदान, एक ऐसा आवास जो तेजी से नष्ट हो रहा है। दक्खन के पठार में ये गर्मी का मौसम है। भीषण गर्मी में जानवरों को पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। कृष्ण मृगों को हर दिन पानी की आवश्यकता होती है और उनकी उपस्थिति आसपास पानी होने का संकेत देती है, और जहां पानी और शिकार होता है वहां शिकारी भी पहुंच जाते हैं। ऐसा ही एक शिकारी है भारतीय भेड़िया। भेड़िये विशाल क्षेत्र में घूमते हुए झुंड में शिकार करते हैं और आज वे भूखे हैं। मादा कृष्ण मृगों का झुंड एक खुला निमंत्रण है, लेकिन ये शिकार आसान नहीं होगा। ये हिरन तेज होते हैं और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। भेड़ियों का झुंड नजदीक आ रहा है। हिरनों का झुंड अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, लेकिन आखिर एक बच्चा हार ही गया। हिरन इकोसिस्टम में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। वे शिकारियों के लिए शिकार होते हैं और वनस्पतियों को खाकर उनकी वृद्धि पर नियंत्रण भी रखते हैं। इस प्रकार वे खाद्य श्रृंखला को चिरस्थायी बनाए रखते हैं। इन खुले मैदानों में कभी हिरणों के बहुत बड़े झुंड चरते थे, लेकिन अब 30-50 से अधिक हिरणों के झुंड दुर्लभ हो चुके हैं। हमारे सुनहरे घास के मैदानों में अगर दौड़ते हुए कृष्ण मृग नहीं रहेंगे तो इस नाजुक इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ जाएगा। यदि घास के मैदान विकास की भेंट चढ़ गए तो एक पूरी इकोसिस्टम के साथ साथ एक जीवन पद्धति भी नष्ट हो जाएगी।